हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम टंडो मोहन खान बकरा मंडी में, जहाँ पर चांद बैल के छोटे बच्चे भी हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, और चांद बैल बड़े बड़े भी हैं। तो कोशिश करूँगा कि चांद बैल की भी कोई ना कोई वीडियो बना दो एक, लेकिन चांद बैल जो है ना वो अभी वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि तबीयत में कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा है। चांद बैल भी माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे चांद बैल हैं, लेकिन पहले जो है ना वो इनकी वीडियो बनाता है, इन बच्चों की, ताकि आपको रेट पता लग सके। उसके बाद हम जो है ना वो फिर बड़ों की तरफ जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अर्ज है कि अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और लास्ट मैंने एक और अतलहार मंडी की भी जो है ना वो बच्चों की वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं कि कहाँ से छोटे जानवर लेना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए इनसे बात होगा। चाचा अस्सलाम वालेकुम। ये दिखा रहे हैं, क्या मांग रहे हो इनका भाई? दोनों का? और ये चाचा, ये सत्तर। ये वो बच्चे होते हैं जो माँ से जुदा हो जाते हैं, उसके बाद फिर इनकी सही तरीके से केयर नहीं हो पाती, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं अपनी केयर ये खुद करते रहते हैं। इसके अंदर, इनकी सेहत के अंदर इनके मालिकों का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है जितना इनका खुद की एहसास से जिम्मेदारी होती है कि मैंने खुद ने अपने आप को जो है ना वो बेहतर रखना है, वरना मैं मर जाऊंगा या कमज़ोर हो जाऊंगा। तो ये खुद भी अपने एहसास करते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि ये क्या रेट मांग रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। सही, क्या मांग रहे हो इनका? दाने का क्या मांग रहे हो? 37। अच्छा, इन से सबका बता दो एक साथ। ये हल तो था, ये को पुठो लगो। हाँ, गणो 37 का पुठो, 37 का पुठा। चलिए वो खड़े हैं इतने सारे माशाल्लाह, इनसे मालूम करते हैं कि ये क्या रेट मांग रहे हैं। और ये भी तकरीबन जो है ना वो, अस्सलाम वालेकुम। अज वरी इतने अच्छी हो माल लगनी। हाँ भाई, हाँ भाई चाचा, आज क्या मांग रहे हो इनका? आज वही मूल है, वही मूल है। कौन सा था, मुझे याद थोड़ी ना। कौन सा गाबा चाहिए बता? लाट का बता। लाट का? हाँ। एक का 55। 55 ये कौन सा कीमत? 55 55। हाँ, 55 यानी 55। 55 मैं तो 60। बड़ा कौन सा? ये खड़े हैं ना, देख। 1 2 3 4 चार बड़े, बाकी सब एक जैसे। बाकी सब। अच्छा, बड़े का 60 है, बाकी जो छोटे छोटे उनका 55। ये अकेला कितने का, ये छोटे वाला सबसे? हाँ, 35। यानी कि 35 से 60 तक के जानवर है। सही, ये दो जानवर भी हैं। अरे वरी वीडियो वरी रहा। अच्छा, वरी इतने अच्छी है। आज ये छापे गुरी, आज ये छापे गुरी लख 60। 18 80 8 और 16 80 होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह रोजी देगा इंशाल्लाह, अच्छी रोजी मिलेगी, अल्लाह बरकत देगा रोजी में। लेकिन लोगों के साथ भी जायज करना चाहिए हमें, 80 का पुट्ठा मांग रहा है। चलें, और भी है उनसे भी मालूम करते हैं, ये जानवर भी हैं इनसे भी मालूम करते हैं। ये वही कल वाले भाई हैं, लेकिन आज पता करते हैं कि ये क्या रेट मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेट तो सही है, लेकिन कोई ले रहा नहीं अभी, ये मुंझ रहे हैं आदमी, इधर माल महंगा है बहुत। महंगा तो है, महंगा तो है बहुत, माल तो महंगा है। क्यों है ये महंगा? महंगा इसीलिए कुर्बानी चल गई, ये गाबे का रेट 70-75 हज़ार रेट हो गया एक एक का। ये तो थर का माल है ना, इतना ज्यादा। थर से इधर दूर आया है, तो उससे उधर से हम ले आए इधर। अच्छा, थर किस जगह मेरे? तो थर हम रिप्ले से ले आए हैं, मिट्टी से। अच्छा, उमरकोट तरफ किसे नहीं लाए? उमरकोट नहीं गए, उमरकोट के डोर छोटे होते हैं, उसको वो काम कर रहा है, और नहीं। अच्छा, ये जो डोर है ये बड़ा होगा, बहुत वजन करेगा। अच्छा, सही 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 सही, ठीक है सही। चले, आपने इनके भी तासुरात सुने कि जानवर क्यों महंगा है और
क्या वजह है जो जानवर इनके बिक नहीं रहे। कल तरार मंडी में भी थे ये और आज टंडो मोहन खान मंडी में भी है। चलिए और भी देखते हैं जानवर कुछ मिलते हैं।